ओम प्रकाश जायसवाल इस वक्त मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। जायसवाल साहब, आप कैसे आंकते हैं बीजेपी ने जिस तरह से पूरा दमखम जो है वो झोंक दिया है बंगाल के चुनावों में, कैसे आप एनालाइज करेंगे? जो जिस सीट जिस पार्टी को 3 सीटें हासिल हुई, आज वो 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। और कांग्रेस के बारे में आपको भी पता होगा, 44 सीटें आपकी पार्टी ने जीती। आज मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लोग क्या सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो शायद आप ठीक तरीके से जवाब ना दे पाए। सर देखिए, बात ऐसा है जी कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी को अगर लाने वाली हैं तो उनका नाम है श्री ममता बनर्जी जी। आपको मालूम होगा, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ममता बनर्जी मंत्री थी और उनके उनके कार्यकाल में वो रेल मंत्री भी थी और उन्होंने आरएसएस के सभा में भी गई थी ममता बनर्जी जी। अरे पुरानी बातें छोड़िए जायसवाल साहब, आज की बात कीजिए ना, आज की बात कीजिए। आप बोलिए ना, बीजेपी ये कह रही है कि 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है, आपका दावा क्या है? देखिए आप लोग कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं बताइए। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हमारा कहने का मतलब है, लोकसभा का इलेक्शन एक अलग इशू पर होता है। अच्छा। और विधानसभा का इलेक्शन अलग इशू पर होता है। और आने वाला दिन में जो कांग्रेस का और वामपंथ जोट का सरकार बनने जा रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के विधायक भी तो आपका पाला छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ना। विपिन चौबे के पास चलते हैं, विपिन चौबे के पास कुछ अपडेट है, विपिन बताएं। देखिए, रविंद्र भवन का जो कार्यक्रम था वो खत्म करने के बाद विपिन चौबे फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनकी आवाज जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और रविशंकर जहां पर मौजूद हैं वहां से बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं उस हनुमान मंदिर के पास जहां पर दर्शन के लिए जाना है गृहमंत्री अमित शाह को। रविशंकर दिखाएं इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है और क्या तैयारी है रोड शो की। देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो रास्ता है। मैं अपना कैमरामैन को थोड़ा कहूँगा मेरे साथ आने के लिए। देखिए, ये रास्ता से हम आगे अगर जाते हैं तो दिखा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो उनके साथ जो निकलेगा जो काफिला, वो कैसे तैयारी हो रहे हैं। और ये वाला जो बैंड है, ये बैंड यहाँ पे बजाया जा रहा है, ये तैयारी इसके लिए है कि अमित शाह को इनको स्वागत करना है। और ये लोग कैसे तैयारी हुआ है आप लोगों का, मोदी जी का अमित शाह जी का स्वागत है। कितना दिनों से ये तैयारी किया आप लोगों ने? कम से कम 7 दिनों से। समीर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो तैयारी है अमित शाह की स्वागत के लिए, यहाँ पे 7 दिनों से ये तैयारी किया गया है। ऊपर भी आपको हम दिखाना चाहते हैं, देखिए कैसे गुब्बारों से यहाँ पे इसको सजाया गया है, सजावट है। 2 घंटा अभी भी बाकी है, फिर भी यहाँ पे जो लोग है रास्ते पे खड़े हैं अमित शाह को देखना है। और ये जो बैंड आप देख रहे हैं, ये जो देशपूर्ण भक्त जो देशभक्त जो गाने हैं वो यहाँ पे बजा रहे हैं, और जो बच्चे हैं यहाँ पे वो रास्ते पे आए हैं। मोदी जी का जो अपना यहाँ पे पोस्टर आप देख पा रहे हैं, सामने आपको गाड़ी भी दिखाना चाहते हैं, एक बार दिखा देते हैं आपको। देखिए, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी भी यहाँ पे तैयार किया गया है जिनसे अमित शाह चढ़ के इसके ऊपर चढ़ के वो यहाँ पे संबोधित करेंगे ये रैली को। इसका इंतजाम भी यहाँ पे किया गया है। जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था, आप दूर से अगर देखेंगे, अपना वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत को बोलूँगा थोड़ा दूर से दिखाने के लिए, सिर्फ लोगों का सर आपको दिखाई देगा। 2 घंटा अभी भी बाकी है, लेकिन जिस कदर लोग का यहाँ समागम हुआ है, ये लगता नहीं है कि ये बीजेपी का सब अमित शाह का पहला रैली पश्चिम बंगाल में है। ये लग रहा है कि बोलपुर में बीजेपी का कोई घर होगा जिसके चलते बीजेपी यहाँ पे इतनी बड़ी एक ठीक हलचल मचा रही है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, रवि बने रहे आप हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।